इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कुछ जानकारी कल प्राप्त की थी और कुछ रह गई थी, वो है स्वमान प्रोजेक्ट, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर डी दास, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन न्यू दिल्ली। डॉक्टर डी दास अपने स्थान पर बैठे हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। ओम शांति। आज इस मंच पर हमारे परम पूजनीय दादी जानकी, दादी हृदयमणि जी एंड ऑनरेबल गवर्नर ऑफ झारखंड और सभी मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन दी डायस एंड बहनों और भाइयों, आज आपके सामने मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा आज तक, कि दो शब्द आपके कान में गूंजता होगा हर समय कि डिजेबल्ड, हैंडीकैप्ड, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, यह फिजिकली चैलेंज्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड। इट मीन्स वी सी द ओनली डिजेबिलिटी बट वी डोंट सी ए स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ ability present in a disabled person who is physically challenged and differently abled. Hum jante hain there are hundreds of NGOs working in the world, including India, in the field of disability to rehabilitate them. That means, what is rehabilitation? Means, jab koi asamarth physically challenged person is facing so many problems in his life, to unko ek sahayata diya jata hai to live इंडिपेंडेंटली और सेल्फ डिपेंडेंट। इसलिए उनको एक छोटा मोटा नौकरी दिया जाता है या कोई कारोबार या शिक्षा के लिए थोड़ा मदद दिया जाता है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। बट दिस इज नॉट एंड टू इट। वी शुड सी एंड वी शुड रिमेंबर दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज देर आर सो मेनी क्वालिटीज विद इन हिम कि उनको अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सहायता मिल जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इसके लिए मैं अपना उदाहरण एक छोटा सा देता हूँ, आपको ये महसूस होगा कि थोड़ा सा नेसेसरी सपोर्ट देने से एक आम या देखने में जो बहुत हेल्पलेस डिजेबल्ड लगता है, ही इज एक्चुअली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हु कैन डू सो मेनी थिंग्स इन द सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेनी अदर पीपल, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। माई सेल्फ, जब मैं एक साल उम्र का था तो मेरा दोनों पाँव पोलियो से अफेक्टेड हुआ एंड आम एक कदम भी चल नहीं सकते थे और क्लास 9 स्टैंडर्ड तक मेरा ये हाल था। आफ्टर major operation I just started walking on crutches, and with these crutches I completed my school, college, and then I completed because my parents supported me school jane tak pahunchane ka, transport ka and admission ka, padhai ka bandobast kar diya thoda sa support, but mera apna lagan se apna mehnat karte gaya, college ka padhai complete kiya and then immediately after that I competed for my IES examination and in first attempt I qualified in 1980 and then I joined this service. Since then I got my promotion in time one after another and I reached this today the rank of additional secretary government of India, and I am advising in many projects and all in Niti Aayog government of India. Ab main yahan tak kaise pahunch paya hu, iska main karan hai ki mere pitaji, ha wo bahut samarth the humko support karne ke liye, to humko padhai mein sahayata kiya, school jane ka, college jane ka, to hum yahan tak pahunche। लेकिन अगर हमारा पिताजी समर्थ नहीं होते और किसी एनजीओ ने हमको अगर थोड़ा मदद कर देते, हमको स्कूल तक पास करा देते और किसी दुकानदारी में बैठा देते या छोटा मोटा नौकरी दे देते, तो मैं हमारी रिहैबिलिटेशन काम कंप्लीट हो जाता और मैं वहाँ ही काम करता रहता अपने लिए। लेकिन क्योंकि मुझे सपोर्ट मिला है तो आई कुड रीच दिस लेवल। नाउ व्हेन आई क्लियर ए फाइल, ओनली वन फाइल व्हिच एक्चुअली डील्स विथ क्रोर्स ऑफ पीपल इन द कंट्री, suppose for one program when I clear it, when I examine it and it is when it is approved by the government and this particular program is implemented, so crores of people are benefited from the same program। ye kehne ka matlab ye hai ki jab kisi ko necessary support diya jaye wo kahan se kahan tak pahunch sakta hai। is project mein humne bataya hai ki ha ye jo socio economic and spiritual empowerment of the most talented hai,
हम डिजेबल्ड में से जो बहुत टैलेंटेड है उनको चुन के सपोर्ट देंगे ताकि वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सके, क्योंकि आजकल का जो हमारे समाज में दो ही ग्रुप है, जो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जिसका देश का भाग्य वो दोनों ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अभी फिलहाल ब्यूरोक्रेट्स एंड स्पेशलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जो समाज में और हमारे देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, इसलिए हम उनमें से टैलेंटेड ग्रुप को चुन के सपोर्ट दे के उनको समर्थ बना के हाई पोजिशन में बैठाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट का यही मकसद है। तो हमें तो ज़्यादा समय नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब हम उसको स्क्रूटनी करके उनको नेसेसरी सहायता देंगे तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं और करोड़ ऑफ रुपीज़ को मदद कर सकते हैं। यही संक्षिप्त में आपको मैंने बताना चाहा, टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच ए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट।